अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुस्तफा चीमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी GT 6 के बारे में, और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको इस मोबाइल के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ पता चल सके कि इस मोबाइल के अंदर कौन कौन से फीचर ये आपको देने जा रहे हैं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बात करेंगे इस मोबाइल के बॉक्स की, बॉक्स के अंदर ये आपको कौन कौन सी चीजें मिल रही है। बॉक्स के अंदर ये आपको सिम इंजेक्टर, टूल, डॉक्यूमेंटेशन, यू का केस, और साथ में ये आपको 120 वाट का अडाप्टर, और इसके साथ ये आपको टाइप ए टू टाइप सी की केबल दे रहे हैं, और आपके ये डिवाइस आपके बॉक्स के अंदर ये देने जा रहे हैं। बाकी अब बात करेंगे इस मोबाइल के डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन आपको इसका रियलमी GT 6T के सेम ही इसका मिलेगा। बाकी इसका फ्रंट आपको ग्लास का दिया जाएगा, और इसकी बैक आपको प्लास्टिक की दी जा रही है, और फ्रेम भी आपको इस मोबाइल का प्लास्टिक का ही दिया जाएगा। इस मोबाइल के वेट की अगर बात की जाए तो ये आपको 201 ग्राम का आपको इस मोबाइल का वेट मिलेगा, जो कि 8.6 mm थिकनेस के साथ आपको मिलेगी। सिम ये आपको ड्यूल नैनो सिम इसके अंदर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। पोर्ट सर बटन की अगर बात की जाए तो ये नीचे वाली साइड पे आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी की पोर्ट, इसका आइसोलेशन का माइक्रोफोन, और साथ में सिम ट्रे का ऑप्शन दे रहे हैं। राइट साइड पे ये आपको वहां पे पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर, और ऊपर वाली साइड पे ये आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, IR ब्लास्टर, और अगेन स्पीकर ग्रिल ये आपको ऊपर वाली साइड पे भी दे रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। IP65 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की इसके मोबाइल के अंदर आपको रेटिंग लगाई जाएगी। अब बात करेंगे इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में, तो ये आपको 6.7 इंच का LTPO AMOLED का डिस्प्ले दे रहे हैं, जो कि 1 बिलियन कलर और आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल रहा है। HDR10+ और Dolby Vision का सपोर्ट आपको इस मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर मिलेगा। 1600 निट्स की ये आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस इसके अंदर दे रहे हैं, और 6000 निट्स की आपको इसके पीक ब्राइटनेस आपको इसके अंदर मिलेगी। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए डिस्प्ले की, तो ये आपको 91% आपको इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसके अंदर मिलेगी। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात की जाए तो ये आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की इसके अंदर प्रोटेक्शन लगाई गई है। अब बात करेंगे जी इस मोबाइल के परफॉर्मेंस के बारे में, कि इसके अंदर आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगाया गया है। तो ये आपको एंड्रॉइड 14 के साथ मिल रहा है, जो कि रियलमी UI 5.0 के साथ आपको मिलेगा, जो कि 3 साल की मेजर अपडेट और 4 साल की ये सिक्योरिटी अपडेट के साथ आपको ये दे रहे हैं। इसके अंदर जो आपको चिपसेट लगाई गई है वो आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाली चिपसेट लगाई गई है, जो कि 4 नैनोमीटर वाली चिपसेट आपको इसके अंदर मिलेगी। और इसका जो GPU है वो आपको एड्रीनो 735 इसके अंदर मिलेगा। स्टोरेज वगैरह के बारे में बात की जाए तो स्टोरेज में ये आपको SD कार्ड का सपोर्ट नहीं दे रहे, बाकी इसकी स्टोरेज में आपको बताता हूँ। इसके 8 GB और 256 GB एक वेरियंट, 12 GB 256 दूसरा वेरियंट, तीसरा वेरियंट जो है 16 GB 512 GB रैम के साथ ये आपको मिल रहा है। LPDDR5X के साथ ये आपको मिलेगा, और UFS 4.0 के सपोर्ट के साथ ये आपको मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं इस मोबाइल के कैमरे के बारे में, तो ये आपको बैक पे ट्रिपल कैमरे के साथ मिल रहा है, जो कि पहला इसका जो कैमरा है वो आपको 50 MP का वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा, इसके अंदर PDF OIS सपोर्ट मिलेगा। दूसरे कैमरे में भी ये आपको 50 MP का दे रहे हैं, जो कि टेलीफोटो के लिए यूज किया जाएगा, और इसका जो PDF का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। तीसरा कैमरा ये आपको अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा, जो कि आपको 8 MP का कैमरा दे रहे हैं, जो कि 112 डिग्री का आपको एंगल यूज किया जाएगा इसके अंदर। फीचर्स OLED आपको ड्यूल LED फ्लैश, HDR पैनोरामा के कुछ इसके अंदर फीचर दे रहे हैं, और वीडियो की क्वालिटी की बात की जाए तो ये आपको 4K 30 और 60 FPS तक आपको इसकी वीडियो की क्वालिटी मिलेगी। बैक के कैमरे की गायरो ESP इसके वीडियो में सपोर्ट दिया जाएगा। अब बात करेंगे इस मोबाइल के फ्रंट के कैमरे की, तो यहाँ पे ये आपको 32 MP का फ्रंट का कैमरा दे रहे हैं, जो कि आपको वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा, और 4K 30 और 60 FPS तक इसकी आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी। इस मोबाइल के अंदर आपको ये जो वीडियो की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं फ्रंट के कैमरे की, वो भी आपको सेम ही इसके अंदर दी जाएगी। कैमरे के बाद बात करते हैं जी इस मोबाइल के बैटरी के बारे में, तो ये आपको बिग बैटरी के साथ मिले, 5500 mAh की ये नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ मिला, जो कि आपको 120 वाट के अडाप्टर के साथ इसकी सपोर्ट है। 0 से 50% ये आपको 10 मिनट के अंदर चार्जिंग कर देता है, और 28 मिनट के अंदर ये आपको 100% चार्जिंग ये मोबाइल आपको कर देगा। फिंगरप्रिंट सेंसर ये आपको अंडर डिस्प्ले सेंसर दे रहे हैं, और बाकी सारे सेंसर आपको इस मोबाइल के अंदर मिलेंगे।
बाकी कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपको वाईफाई के ड्यूल बैंड के साथ मिलेगा। ब्लूटूथ का 5.4 का वेरिएंट इसके अंदर लगाया गया है। पोजीशनिंग में जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, क्लैरियस ये आपको दे रहे हैं। एनएफसी की अगर बात की जाए तो ये आपको 360 डिग्री का एनएफसी की इसके अंदर आपको सपोर्ट मिलेगा। इंफ्रारेड पोर्ट आपको इसके अंदर दी जाएगी। यूएसबी की टाइप सी की 2.0 का ओटीजी वेरिएंट आपको इसके साथ मिलेगा। अब अगर इस मोबाइल के कलर्स के बारे में बात की जाए तो ये आपको फ्लूड सिल्वर और रेजर ग्रीन के साथ, ये दो तरह के कलर्स के साथ आपको रिलीज किया जाएगा। यूरोपीय मार्केट में ये आपको ऑलमोस्ट 700 यूरो के अंदर मिलेगा। बाकी अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो ये यहाँ पे आपको 35 से 40 हजार के अंदर इस मोबाइल को रिलीज कर दिया गया मार्केट के अंदर। ये सब कुछ था इस मोबाइल के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि आपको मजीद इस तरह के वीडियो अब तक पहुंच सके। आज के लिए इतने ही, खुदा हाफिज़।